दोस्तों, आपने अमिताभ बच्चन जी का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। दोस्तों, हड्डी तोड़ो या सर, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाएंगे जिसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, जहां हम आपको बताते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ खास केस स्टडीज जिनकी बदौलत आपका कल सुनहरा हो सकता है। तो देखते रहिए हेल्दी इंडिया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, और हर कोई मर्द यही बोलता है कि मुझे दर्द नहीं होता। मगर क्या हो जब दर्द सच में महसूस ही ना हो? आप कहेंगे इससे अच्छा क्या होगा कि दर्द महसूस ही ना हो। आखिर बड़े बुजुर्ग हमें यही तो आशीर्वाद देते हैं कि जिंदगी में कभी तुम्हें दर्द ना मिले। मगर दोस्तों, दर्द भी जिंदगी के लिए जरूरी है। दर्द महसूस होना और दर्द को सहना हमारे लिए बहुत अहम है, वरना हम खुद को तमाम तरह की जोखिम चीजों में डाल सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ हालात से मिलने वाले दर्द की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं शरीर को मिलने वाले दर्द की। जब आपको चोट लगती है या शरीर में कोई तकलीफ होती है, घाव होता है, तो आप उसका एहसास कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, दर्द होगा तो एहसास तो होगा ही। मगर सवाल जायज है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्हें किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं होता है। जी हाँ, फिर चाहे उनका हाथ या पैर क्यों ना कट जाए, या खौलते पानी या तेल में वो अपना हाथ क्यों ना डाल दे, या फिर वो अंगारों में क्यों ना चले, यहाँ तक कि अगर बेहोश किए बिना उनका ऑपरेशन कर दिया जाए तो भी उन्हें दर्द महसूस नहीं होगा। जिन लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता, उनके लिए बात किसी श्राप से कम नहीं है। डॉक्टर इस बीमारी को अंग्रेजी में कंजेंटल इनसेंसिटिविटी टू पेन या फिर CIP कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में बेहद गिने चुने लोगों को ये विकार होता है, यानी ये बीमारी होती है। आमतौर पर ये दिक्कत जन्मजात होती है, यानी कि बचपन से ही आपके साथ होती है, या फिर शुरुआत से अगर आपके परिवार में किसी को हो तो ये भी आपको वांछित तौर पर हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लोगों में दर्द का एहसास न होने की ये कमी बचपन से होती है, लेकिन बड़े होने तक खत्म हो जाती है, जबकि कुछ लोगों की उम्र के साथ साथ ये विकार बढ़ता ही रहता है। शरीर को होने वाले नुकसान से खुद को बचाने के लिए दर्द की शिद्दत का एहसास होना जरूरी है। दोस्तों, दर्द हमारे शरीर में एक अलार्म बेल की तरह है। जैसे ही शरीर में कहीं दर्द होता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि कोई गड़बड़ी हो सकती है। दिमाग हमें अलर्ट कर देता है और हम खुद को खतरों या फिर कुछ खास चीजों से जो हमें दर्द देती है उनसे बच जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ ने CIP से पीड़ित बहुत से मरीजों के साथ काम किया। वो बताते हैं कि जिन लोगों को दर्द नहीं महसूस होता है, उनकी उम्र बहुत कम होती है। वो कई बार खुद को जानलेवा खतरों में डालकर मौत को गले लगा लेते हैं। डॉक्टर जोसेफ ने ऐसे बहुत से मरीज देखे हैं जो कम उम्र में ही मर चुके हैं। कुछ ने ऐसे जोखिम उठाए जो उनके लिए जानलेवा साबित हुए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी दर्द सहा ही नहीं, इसीलिए वो कभी किसी चोट की शिद्दत को भी समझ नहीं पाए। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी है रितु की। उसके माता पिता बताते हैं कि जब वो 2 साल की थी तो उसने अपने हाथ तवे पर रख दिया और हाथ जला लिए। उसको पता भी नहीं चल पाया। एक बारी रितु ने बिस्तर पे कूदते हुए अपना पैर तोड़ लिया और 2 दिन तक उस टूटे हुए पैर के साथ चलती और खेलती रही। जब रितु पैदा हुई थी तब वो रोई नहीं थी, बस एक छोटी सी आवाज निकाली थी। दोस्तों, रितु बताती हैं कि उन्हें स्कूल में सब हर कोई यही पूछता है कि क्या उनके अंदर कोई रहस्यमय शक्ति है, क्या वो सुपर गर्ल है, क्या वो कोयले पे चल सकती है। तो रितु अपने दोस्तों को ये समझाती है कि भले ही उनको दर्द महसूस नहीं होता, पर उनको दबाव जरूर महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दर्द महसूस नहीं होता, तो आप उसे जरूर ये वीडियो दिखाइएगा और उसे बताइएगा कि शायद उन्हें CIP हो सकता है, और ऐसे में उन्हें डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी के साथ आप अपना कल सुनहरा बना पाएंगे।